बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी जिंदगी में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। जो भी लोग सफल बने हैं, उन्होंने कहीं न कहीं जाने या अनजाने में आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जेरी और एस्थर हिक्स द्वारा लिखी गई बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक में उन 3 यूनिवर्सल नियमों को बताया है जिनसे आप अपनी नेचुरल और बेहतरीन अवस्था में आ सकते हैं। और जब आप इस अवस्था में आ जाएंगे और इस बुक में बताई गई बातों को एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप वह सब कुछ पाने में और करने में सक्षम हैं जो आप करना चाहते हैं। लेखक जेरी हिक्स के जीवन के बारे में कई सवाल थे, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और अधिक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं, हमें जिंदगी में जो चाहिए वह क्यों नहीं मिलता, हमारे साथ अनचाही घटनाएं क्यों होती हैं, मैं सही और गलत की पहचान कैसे करूं, और भी अनगिनत सवाल। इन सवालों के जवाब उन्हें मिले अब्राहम नाम की एक ब्रह्मांडी ताकत से, जो कि एस्थर हिक्स के जरिए उनके सवालों के जवाब देती थी। जब आप अब्राहम द्वारा बताए गए ब्रह्मांड के इन 3 रहस्यमय नियमों को जान लेंगे, तब आप अपने जीवन में वह सब चीजें पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं, और उन सब चीजों से आप मुक्ति पा लेंगे जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं अब्राहम के बारे में। जब जेरी और एस्थर अपने सवालों के जवाब पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तब उनके किसी रिश्तेदार से उन्हें एक ऐसी औरत का पता चला जो आत्मा के जरिए आपके सवालों के जवाब देती है। जब जेरी और एस्थर ने उससे बात की, तो वहां से उन्हें ध्यान के बारे में पता चला। ध्यान यानी रोज आरामदायक स्थिति में 10 से 15 मिनट तक बैठकर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जब लेखक और लेखिका ने ध्यान की अवस्था का लगातार अभ्यास किया, तो धीरे धीरे एस्थर को अपने अंदर ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा का अनुभव होने लगा, और अब्राहम नाम की वह ऊर्जा एस्थर के जरिए जेरी से बात करने लगी, और यही से शुरुआत हुई अब्राहम की टीचिंग से की, जो आगे इस बुक में बताई गई है। इस बुक का उद्देश्य आपकी सोच को बदलना नहीं है, बल्कि आपको अनादिकाल से चले आ रहे उन 3 सनातन नियमों की जानकारी देना है, जिन पर विश्वास रखकर आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसमें मजे की बात यह है कि आप इन नियमों को पहले से ही जानते हैं, जरूरत है केवल आपको इन नियमों को याद दिलाने की और उनके प्रति आपके अंदर विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने की। तो दोस्तों, इन नियमों पर डिटेल में बात शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज को अपनी लाइफ में आकर्षित करते रहें। चलिए बुक की शुरुआत करते हैं पहले नियम से, जो है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है जो एक जैसे हैं उनमें आकर्षण होगा। यह नियम सुनने में बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, और यह हर समय हर चीज के ऊपर लागू रहता है। इसे जानने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपका और आपके आसपास के हर व्यक्ति का जीवन इस नियम से प्रभावित होता है, और घटने वाली हर घटना का आधार यही है। आकर्षण का नियम आपके दिमाग में लगातार बने रहने वाले विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि आपकी वास्तविकता का निर्माण आप स्वयं करते हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं, चाहे आप पुरानी किसी बात को याद करते हो, वर्तमान में किसी काम के बारे में सोच रहे हो, या भविष्य को लेकर कल्पनाएं बना रहे हो, आपके हर विचार पर आकर्षण का नियम अपना काम कर रहा है। आपका ध्यान जिस भी तरह के विचारों पर रहेगा, आप में से उसी तरह की तरंगे पैदा होगी, और आकर्षण का नियम उन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उसको आकर्षित करने की शक्ति सिर्फ आप में है और किसी में नहीं। इसे सरलता से समझने के लिए आप अपने आप को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह मानिए, जो आपके विचारों और आपके मन की भावनाओं के परिणामों को आपकी ओर आकर्षित करता रहता है। आप बिना अपवाद के जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं, आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, और उसके बारे में आपके विचार जितने अधिक बड़े और जितने ज्यादा गहरे होंगे, उस वस्तु की आपके अनुभव में शामिल होने की उतनी ही ज्यादा प्रबल संभावना होगी। जब भी आप किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक स्पंदन पैदा करते हैं,
और आकर्षण के नियम की चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उसी तरह के स्पंदनों को आपकी ओर आकर्षित करती है। और जैसा कि यह नियम कहता है, समान चीज आपस में आकर्षित होती है, इसलिए आपके विचार से बने स्पंदन ब्रह्मांड से इस तरह के दूसरे स्पंदनों को आपके अनुभव में लाते हैं। इसलिए आप जिस भी चीज पर विचार करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार वह आपको प्राप्त होगी, भले ही वह आपको पसंद आए या ना आए। शुरुआत में इस तरह के विचार सिर्फ आपके मन में होते हैं, लेकिन जब वह लंबे समय तक यहाँ पर बने रहते हैं, तो आप पाएंगे कि अन्य लोग भी आपसे इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम समान स्पंदन वाले दूसरे लोगों को खोजकर आपकी तरफ लाता है। इसलिए जिस भी विषय पर आप ज्यादा समय तक विचार करेंगे, वह शक्तिशाली होता जाएगा, और जब आकर्षण का बिंदु पूरी तरह से बलवान हो जाएगा, तो वह उस वस्तु को आपके जीवन अनुभव में शामिल कर देगा। इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे करना या बनाना आपके लिए संभव ना हो। जब आप यह सुनिश्चित कर ले कि आप क्या चाहते हैं, तब केवल अपने उन्हीं विचारों पर डटे रहे। आकर्षण का नियम आपके लिए और तेज गति से और प्रबल रूप से काम करे, इसके लिए हम आपको अब्राहम की रचनात्मक कार्यशाला में लेकर चलते हैं। यह एक प्रक्रिया है, इसमें आपको रोज कम से कम 15 से 20 मिनट का समय देना होगा। इसके लिए आपको एक शांत और एकांत स्थान चुनना है, जहां आपके ध्यान में कोई बाधा न डाले। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप मन से प्रसन्न हो। इस प्रक्रिया में आपको करना यह है कि आपके दिन भर के काम के दौरान आपने जो भी डेटा इकट्ठा किया है, जैसे आप बाजार में गए, आपको अपनी कोई पसंद की वस्तु दिखाई दी जिसे आप खरीदना चाहते थे, या आपने किसी को आपकी पसंदीदा कार चलाते हुए देखा और आपके मन में यह भावना आई कि मेरा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। इस तरह का जितना भी डेटा आपको मिले, वह आप अपने मन में जमा करते जाएं। जब कार्यशाला के दौरान हमें इस डेटा को आत्मसात करना है, इस डेटा के बेस पर आपको अपने मन में वह सारी कल्पनाएं करनी है जैसा जीवन आप खुद के लिए चाहते हैं। एक सरल उदाहरण के तौर पर, आप जब कार्यशाला में ध्यान लगाए, तब आप बिना प्रतिरोध के जीवन की वह सारी अच्छी चीजें अनुभव करें, जैसे आप अपनी पसंदीदा कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, अपने पसंद के घर में खुद को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस कर रहे हैं। आप केवल उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिनके प्रति आप भावनाएं रखते हैं। आप खुद को स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। आपके पास वह सारी चीजें और सारी दौलत है जितनी आप चाहते हैं। बाजार में आपने जो अच्छी चीजें देखी थी, आप अपनी कार्यशाला में मानसिक तौर पर इसे खरीद सकते हैं। आप यह अनुभव कर सकते हैं कि आप अपनी जेब से निश्चित राशि निकाल कर दे रहे हैं और आपकी इच्छित वस्तु आप ले रहे हैं। इस कार्यशाला में किए जा रहे सारे विचारों पर आपको पूरी तरह से विश्वास रखना है। आपके मन में आपके इन सारे कामों के प्रति कोई विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपने एक महंगी कार देखी और आप खुद को उसमें बैठते हुए और निकलते हुए अपनी कार्यशाला में देख रहे हैं। ऐसे में आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि इतनी महंगी कार मेरे पास कैसे आएगी। याद रखो, आपका काम है सिर्फ अपनी कार्यशाला में उन चीजों को आत्मसात करना जो आप चाहते हैं। जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हैं, वह जिंदगी आपके पास कैसे आएगी, यह ब्रह्मांड का काम है, आपका नहीं। आप जिस भी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उसे खुद तक ले जाते हैं। दोस्तों, यह कार्यशाला बहुत ही प्रभावशाली है। आप जब इसे थोड़े दिन करेंगे तो इसकी पावर को महसूस करने लगेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो है सृजन का विज्ञान। यानी आप जिस तरह की चीजों पर लगातार विचार करते हैं, उनको भौतिक स्वरूप में अपने जीवन में आकर्षित करना। अगर आप इस नियम को नहीं जानते हैं, तब भी आप इस नियम का उपयोग कर अपने जीवन में वह परिस्थितियां ला रहे हैं जो अभी आपके जीवन में मौजूद हैं। यह सब इसी नियम के द्वारा संचालित हो रहा है। अब्राहम का कहना है कि इस भौतिक जगत में आपको जो भी चाहिए, उसको सिर्फ भौतिक तौर पर ही काम करके पाने की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपकी इच्छित वस्तु को पाने के लिए आपको तुरंत काम में जुटने की जगह कल्पना करके पहले उसे अपनी आकांक्षा में प्राप्त करना चाहिए। इससे आपको उस वस्तु को प्राप्त करने का आवश्यक मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तु तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं जिनको वे नहीं चाहते थे,
लेकिन क्योंकि उन्होंने बार बार उस पर अपना ध्यान लगाकर अनजाने में ही सृजन के इस नियम का पालन किया और उसके फल स्वरूप उन्हें अपने जीवन में वह चीजें मिली। क्योंकि बहुत सारे लोग इस भौतिक दुनिया में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें इस भौतिक दुनिया से परे ब्रह्मांड से अपने रिश्तों की जानकारी ही नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम कमरे का बल्ब जलाते हैं तो एक स्विच दबाने से बल्ब जल जाता है, लेकिन इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि बल्ब जलने के पीछे केवल स्विच नहीं है बल्कि बिजली बनने से लेकर यहाँ तक पहुँचने के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह से हमारी इस भौतिक जगत से परे भी एक ब्रह्मांडी जगत है जिसके साथ हमारे रिश्ते हैं, और जो भी चीज हमारे साथ भौतिक जगत में होती है उससे पहले उसे हम ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिस भी तरह के विचार अपने दिल में ला रहे हैं और उनको भावनात्मक मंजूरी दे रहे हैं, ब्रह्मांड उन चीजों को आपकी तरफ भेज रहा है। आपके विचार सही है या नहीं इसके लिए दूसरे लोगों पर ज्यादा निर्भर होने से अच्छा है अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली की ही सहायता ली जाए। जब भी आपके अंदर कोई विचार या भावनाएं चल रही हो, उस समय आप जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं उसके अनुरूप होने पर अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका उस समय अपनी इच्छाओं के साथ सामंजस्य बैठ गया है। इसके उल्टा जब भी आपके अंदर अपना या ब्रह्मांड का कुछ नुकसान करने की भावनाएं होती हैं, तो उस दौरान आपके मन में आपकी इच्छा और आपके विचारों के प्रति सामंजस्य नहीं बैठेगा। ऐसे में आप यह समझ सकते हैं कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में वास्तव में दो बातें होती हैं, एक आपको उसको पाने की इच्छा और दूसरा उसकी कमी। अगर आपको उस वस्तु को पाने की इच्छा है तो इसका अर्थ है कि आपके पास उस वस्तु की कमी है। अब आप किस पर ध्यान देते हैं? जब आप अपनी इच्छा पर ध्यान देकर अपनी आकांक्षा पर केंद्रित होते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब आप उस वस्तु की कमी पर ध्यान देते हैं तब आप बुरा महसूस करते हैं। इससे यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि आपको किस तरह के विचारों को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। जैसा कि अब्राहम ने बताया है कि हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं, लेकिन हमारे हर विचार में सृजन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि हमारे जिन विचारों के साथ हमारे गहरे भाव जुड़े होते हैं वही हमें हमारी इच्छित वस्तु तक पहुंचाते हैं, और जिन विचारों के साथ हमारी गहरी भावनाएं और विश्वास नहीं होता है ब्रह्मांड उन विचारों पर ना के बराबर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए दिन भर काम करते समय अपने हर अनुभव के प्रति संवेदनशील रहे। जब भी आप किसी नकारात्मक भावना का अनुभव करें तो समझ जाइए कि आप कुछ न कुछ नकारात्मक सृजन कर रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं तभी उत्पन्न होती हैं जब आप गलत विचारों को जगह देते हैं। जब भी ऐसा हो तुरंत सजग रूप से अच्छे विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब अपनी कार्यशाला में आप रोज इस सृजन प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार कम होते जाएंगे और आप खुद को उन वस्तुओं से घिरा हुआ पाएंगे जो आप अपने वास्तविक अनुभव में शामिल करना चाहते हैं। बात बहुत सरल सी है। यदि आपको आपकी इच्छा की हुई वस्तु को मिलने में देरी हो रही है तो इसका केवल एक कारण है कि आपका ध्यान इसे प्राप्त करने से कहीं ज्यादा इसकी कमी पर टिका हुआ है। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहे। जब आप इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेंगे तो आप खुद ब खुद दूसरे लोगों के लिए उनके उत्थान का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बन जाएंगे। दोस्तों मुझे पता है आपको इन नियमों को जानने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में जो है स्वीकार्यता की कला। यानी कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मैं अन्य सभी चीजों को उसी स्वरूप में स्वीकार करता हूँ जैसी वह है। इसका अर्थ है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों को और सभी घटनाओं को उस तरह से स्वीकार कर सके जिस तरह से वह घटित हो रही हैं। जब तक आप पहले दो नियम समझकर उपयोग करना नहीं सीख जाते तब तक आप स्वीकार्यता की कला को ना तो समझ सकते हैं और ना ही इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए दूसरे लोगों की इच्छा को स्वीकार करना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि आप यह नहीं समझ जाते कि इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दूसरे लोगों में इन नियमों को काम करते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग हमेशा धन के बारे में बात करते हैं उन्हें धन मिल जाता है, जो लोग अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं उन्हें अच्छी सेहत मिल जाती है, जो लोग हमेशा गरीबी के बारे में बात करते हैं उन्हें गरीबी मिल जाती है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप जैसी अनुभूति करेंगे आप उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
स्वीकार्यता की कला को सीधे शब्दों में समझे तो आप जो हैं वह आप हैं और आप दूसरे लोगों को वह बनने देते हैं जो वो बनना चाहते हैं, चाहे वह चीज आपको पसंद हो या न हो। उनके प्रति आपको नकारात्मक अनुभूति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका पड़ोसी ज्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास दो कार होती हैं, दो बंगले होते हैं, तो आप में ईर्ष्या की भावना न होकर आप उस अनुभव को स्वीकार करते हैं कि आपके पड़ोसी ने आकर्षण के नियम और सृजन के नियम का पालन करके वह चीज हासिल की है और आप इस चीज से खुश हैं। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि कोई इंसान ऐसी चीज चाह रहा हो जिससे आपको नुकसान होने वाला हो। स्वाभाविक है, उस चीज के प्रति आप नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करेंगे। लेकिन अब जब आप आकर्षण के नियम को जानते हैं, इसलिए अगर आपके साथ उस घटना के होने के बारे में बार बार सोचेंगे तो उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में आप स्वीकार करें जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है और उसे नजरअंदाज करके वैसा ही बना रहने दें। इसे छोड़कर आप उस चीज पर ध्यान लगाएं जो आप चाहते हैं। ऐसे में आप खुद को बिना नुकसान किए हुए स्वीकार्यता के नियम का अच्छे से पालन कर पाएंगे। बहुत सी बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है और आप यह सोचते हैं कि मैं कैसे इससे अपनी पसंद का काम करवा सकता हूँ। लेकिन आपको अंत में समझना पड़ेगा कि दुनिया में सभी लोगों से आप अपनी पसंद का काम नहीं करवा सकते। इसके बजाय अच्छा यह होगा कि उन्हें स्वीकार करें और उन्हें वह काम करने दें जो वह कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने सकारात्मक विचारों से केवल उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिनके साथ आपकी भावनाओं का तालमेल होगा। स्वीकार्यता की कला को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वह हैं, अपने जीवन के अनुभवों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। वह जो चीज चाहते हैं वह अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप जिन चीजों को चाहते हैं उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरे लोग अपने लिए जो भी कर रहे हैं वह अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं कर रहे हैं और आप ऐसा मानना छोड़ दीजिए कि उनके ऐसा करने से दुनिया में कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड अपना संतुलन बनाए रखना जानता है। अगर आप बार बार वे जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका आकर्षण का बिंदु बदल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी और उन्हीं चीजों को आकर्षित कीजिए जो आप चाहते हैं। बाकी जो दूसरे करते हैं उन्हें इस तरह से स्वीकार कीजिए जैसे यह उनका अधिकार है, वह जो चाहे करें। यदि दूसरे लोग हमें कुछ ऐसा देखते हैं जो उनको स्वीकार नहीं है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। लेकिन अब्राहम का कहना है कि इससे आपका नुकसान नहीं है या आपकी गलती नहीं है, बल्कि उनकी कमी है, क्योंकि वह स्वीकार्यता के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से उनमें आपके प्रति नकारात्मक भावनाओं का जन्म हुआ है। इसी तरह से जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं का जन्म होता है तो हम दूसरे लोगों में कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो यह उनकी नहीं बल्कि हमारी कमी होती है। क्योंकि अब जब हम जान चुके हैं कि जो कुछ भी संसार में हमारे साथ घटित होता है उस पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होता है, इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वह चीज हमने ही अपने लिए आकर्षित की है। जब आप काम करते हुए सकारात्मक भावनाओं को महसूस करेंगे और अपने विचारों और बातों पर ध्यान देंगे, तब हम यह कह सकते हैं कि आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस करने लग जाएं, तब आपने दूसरों को स्वीकार कर लिया है। दुख का विषय यह है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इतने विचलित हैं कि वह थोड़ी देर के लिए भी किसी विचार पर नहीं टिक सकते। आज के जमाने में इतने सारे भटकाव मौजूद है, इतनी सारी अनावश्यक चीजें हमारे मोबाइल में उपलब्ध हैं कि इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा दिन ब दिन भौतिक जगत से नाता और गहरा होता जा रहा है और इस ब्रह्मांड से नाता हटता जा रहा है। ऐसे में हम हर चीज को सिर्फ भौतिक तरीके से पाने के बारे में ही सोचते हैं, जबकि चीजों को पाने का एक बड़ा हिस्सा अभौतिक होता है, जिसमें हमारे विचार, हमारे सृजन करने की शक्ति और स्वीकार्यता की कला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमें अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए जितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता लग रही है, वास्तव में ऐसा है नहीं। बस आप जो चाहते हैं उस पर विचार करते रहे, उसका अपनी कार्यशाला में सृजन करते रहे, इसे हर दिन स्वीकार करें और इसके बाद सारा काम आकर्षण के नियम पर छोड़ दें। दोस्तों, अगर इस बुक समरी को सुनकर आपके अंदर यह इच्छा जागी कि आपको यह किताब पढ़नी चाहिए तो आप अपने आप को मत रोकिए, क्योंकि यह किताब वास्तव में आपके उन सारे सवालों के जवाब देगी जो आज तक आपको कहीं से नहीं मिले होंगे।
इस किताब की परचेस लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप सबको यह बुक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बुक बास्केट। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बहुमूल्य किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।